Yo, what is up, guys? Good morning, welcome back to my new vlog. और आज का vlog start करने से पहले आप लोगों को एक बहुत 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 बड़ा sorry. कल मैंने अपने vlog में ये बोला था कि मैंने 6 मंथ के बाद बाल कटाया, मतलब 6 महीने के बाल, 6 महीने के बाल नहीं, 6 महीने के बाद बाल कटाया, बट ऐसा कोई नहीं है. मैंने कल ध्यान से अपना स्नैपचैट देखा तो मैंने अगस्त में ही अपने बाल कटाए थे, यानी 3 मंथ्स पहले कटाए थे मैंने अपने बाल. बट मेरे को ऐसा लगा कि मैंने जब गांव से आया था तब कटाए, तो मेरे को समझा नहीं, क्योंकि अगर 6 महीने होते तो मेरे बाल बहुत लंबे हो जाते, तो मेरे को ध्यान नहीं आया. सॉरी गाइस, अच्छा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. और मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ तो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है मेरा ब्लॉग. मतलब अभी कैसे कॉलेज चालू हो गया ना, तो फ्रेंड्स लोग भी देखते कॉलेज के, तो सब लोग को थैंक यू जो भी लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं. और मेरे स्कूल कॉलेज के टीचर्स भी देखते हैं, उनको भी थैंक यू. और बस मतलब अच्छा लगता है सब लोग जब ब्लॉग देखते हैं. तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलो लेट्स गो. तो अभी 2 दिन में दिवाली आ रही है, 2 दिन नहीं, कल से ही ना मम्मी, कल ही धनतेरस है, कल से दिवाली चालू हो रही है. तो थोड़ा ये सब लगा रहे हैं. तो दिवाली के इतने सारे सामान आए हैं, ये सब जो मतलब घर में यूज होते हैं, जैसे कि देख लो दिए हैं अच्छे अच्छे, ये देखो ये सारे दिए हैं, ये दिया है, ये दिया है, फिर लक्ष्मी जी के पैर है बहुत सारे, ये सब ऐसे लगते हैं इधर से. ये भी खरीदना है अभी, ये भी पुराना हो गया ना, तो ये और ये लक्ष्मी जी के पैर ऐसे लगते हैं यहाँ पे पूरे, देखो अभी भी लगे, बट इधर ये नए नए लगाएंगे. फिर ये देहली पे लगाते हैं, ये जो देहली होती है यहाँ पे अपने दरवाजे के पास उसे लगाते हैं. फिर ये तोरण है, जैसे कि मैंने ये आला दिखाया था आप लोगों को, वैसे ये भी एक तोरण होता है. और फिर ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें ऐसा रंगोली डालते हैं तो डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है इसी डिज़ाइन का रंगोली निकल के ज़मीन पर आता है. और फिर वही सब है, और लाइटिंग है थोड़ी बहुत, ये सब लाइटिंग भी लगाएंगे हम लोग. ये लाइटिंग है, ये लाइटिंग है, ये सब है, ये सब है. तो ये तोरण है, और जो मैंने बोला था वो इस देहली पे लगता है. का ये सब सामान आया है दिवाली का, ये बता दिया. ये सब 8 तक तो मैं फटाके ये सब फोड़ता था, पापा बहुत लेके आते थे, बहुत सारे बॉम्ब, अलग अलग बॉम्ब, सुरसुरी पाउस, फुलझड़ी, सब लेके आते थे. बट अभी मेरे को मतलब अभी बड़ा हो गया हूँ, तो बड़ा हो गया क्या मतलब अभी मेरे को पसंद नहीं आता, अभी मेरे को अच्छा नहीं लगता फोड़ना ये सब. गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि मुझे फ्लूट भी बजाना आता है, एकदम प्रोफेशनली नहीं, ना एकदम मीडियम लेवल का, एकदम लो लेवल का. जब मैं अपने पहले वाले स्कूल में था, चिंबू कर्नाटक हाई स्कूल में, तब मैं फ्लूट बजाया करता था और ड्रम बजाया करता था जब स्कूल में. मुझे आती है एक ही ट्यून आती है, जन गण मन, बट अभी मैं ऐसा नहीं बजा सकता, क्योंकि अभी मैं बजाऊंगा फिर आप लोगों को भी खड़े होना पड़ेगा अगर आप लोग लेट वेट के देख रहे हो व्लॉग. तो बस मैं बस आपको दिखा देता हूँ एकदम थोड़ा सा, मतलब आता तो नहीं मेरे को, दूसरे बीट भी आते थे पहले बट अब नहीं आते, बट ट्राई करता हूँ एक बार. आप लोग कमेंट करके प्लीज 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 बताओ कि कैसा बजाता हूँ मैं फ्लूट. गाइस, ये वाला भी एक फ्लूट है, ये उधर के जो बड़े भैया है ना, उनने दिया था. मैंने सोचा था कि बीच में सीखूंगा ये, बट मैंने वीडियोस देखे, मैंने ट्राई किया तो मेरे को थोड़ा हार्ड लगा, बट मेरे को बजाना आ गया, मतलब ना बजा, क्योंकि बजा भी नहीं पाता, जैसे कि देखो नहीं निकलती साउंड अगर आप फूकोगे नॉर्मली. तो मैंने वीडियोस देखे थे, उसकी ट्रिक होते हैं, मतलब सिखाया था, ट्राई करता हूँ मैं भी. हो गया महीने इसको बहुत महीने हो गए. बस हवा निकल गई. ऐसे ट्राई करता हूँ गाइस, आप लोग बताना कि मैं फ्लूट कैसे बजाता. ये क्या कर रहा है, कचरा निकला इसमें से. तो मैंने सुबह से फिर उसके बाद व्लॉग नहीं किया, थोड़ा बीच में कुछ क्यों नहीं किया वो बता, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था. इन लोगों को पता है प्रॉब्लम. अभी हम खेलने आए वापस ग्राउंड में, और वो देख दोनों आ गए. कौन दोनों? तो देखो सब लोग आए यहाँ पे, अभी हम लोग खेलते क्रिकेट और फिर मिलता आप लोगों को मैं. हमारा खेल के हो चुका है, हम जा रहे हैं घर. यहाँ पे एक बस आई है, अलग ही दिख रही है. कर ईशान भी ब्लॉक कर रहे हैं, मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ, तो मूवी है. बाय बाय. अरे भाई पीछे से देख कैसी है. हम किच्चू के घर आए बात करने, किच्चू से दूर क्या भाग रहे हैं, नजदीक ना, डरता है क्या मेरे ब्लॉग से? हंसता है वो, डरता नहीं है. तो गाइस, मैं नहा धो के आ गया हूँ, उसने भी लगाई ये बाहर दरवाजे के बाहर. अभी यहाँ पे
यहाँ पे भी आके पापा लगाएंगे या फिर कल लगाएंगे। मैं आप लोगों को बाहर का दिखाता हूँ, बाहर जो भी लाइटिंग हुई है ना, बाहर जितने लोगों ने भी लाइटिंग की है वो दिखाता हूँ मैं। ये देखो थ्री टू वन गो। मस्त लग रही है ना, ये पीछे सीरियल चल रहा है इसका आवाज से, बट कोई नहीं। मंदिर में भी लाइट लगा ली है पूरी अच्छे से। लगा पहले? हाँ हाँ, तो हो गया देखो लाइटिंग कर दिया भी लगा के, एक बार चेक करने के लिए लगाते ऊपर इधर। और एक सेकेंड बंद है ना। हाँ, और ये करते हैं हम उसको चालू और लाइट। मम्मी बहुत डीम है रे लाइट। ओ मम्मी लाइट बहुत डीम है बट होगा ना। अरे कनेक्शन बराबर नहीं है इसलिए हो रहा है ये, चमचम वाला कनेक्शन नहीं है। अच्छा कनेक्शन बराबर नहीं हो रहा। और इसका पापा कनेक्शन लाएंगे, दोनों एक साथ तो नहीं लगा सकते है ना। तो देख लो कितना अच्छा दिख रहा है, मस्त। और तो गाइस खाना खा लिया मैंने, और अभी जस्ट बैठ के ना मैं फ्लाइंग बीच सर का वीडियो देख रहा था जो उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ बनाया है। बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा व्लॉग था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और उनकी बाइक थी कलेक्शन देखी, फिर उनकी पूरी बातें देखी, बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। क्या हो गया? तो देख रहा था मैं, अच्छा लगा, थोड़ा इंस्पायरिंग लगा उनकी स्टोरी भी। और मतलब सर भी जैसे बात कर, मतलब फ्लाइंग भी सर भी जैसे बात कर रहे थे, और वो सब अच्छा लगा मेरे को देख के बहुत। मतलब पता नहीं क्यों बट बहुत अच्छा लगा देख के वाला व्लॉग। सो अभी नेक्स्ट व्लॉग भी आएगा वो भी देखेंगे। और मेरी ना एक चीज़ अच्छी कह लो बुरी कह लो, बट जैसे अगर मैं एक दिन व्लॉग किया तो उसके नेक्स्ट दो तीन दिन या हफ्ते मैं व्लॉग डेली करता हूँ, पता नहीं एकदम एक मोटिवेशन सा जाग जाता है कि चल व्लॉगिंग कर। और अगर एक भी दिन छूट जाता है तो फिर उसके आने वाले बहुत दिन तक फिर मैं व्लॉग ही नहीं करता हूँ, ऐसे होता है। सो अभी एक घंटे में वैसे मैं सो जाऊँगा, और अभी 10 बज गए, ऑलमोस्ट 10:30 बज गए। तो करता हूँ मैं इस व्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट। बाय बाय।